भैया ने मेरे को पिक कर लिया, मजा तो पूरा आने वाला है। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है डेजर्ट सफारी का, तो होपफुली मजा है। ये लीजिए, हमने दोनों फैमिली पिक कर ली हैं, अब हम जा रहे हैं डेजर्ट की तरफ। रहे हैं 1.5 घंटे के, मतलब 45 मिनट के लिए। 45 मिनट यहाँ रुकेंगे, फिर उसके बाद हम जाएंगे सफारी के लिए। क्या अभी हम चलते हैं, उतरते हैं और चलाते हैं ATV। हाँ ये देखो, डरा रहा है, ये देख रहे हो आप, डराते भी देखो ऐसे डराता है भाई का, डराने का तरीका है ना ये देख इधर सबको डरा दो, तो आप लोग सब डर जाना है ना, बोल दो डर जाना। हाय, ये लो ऐसा, हाय बोलो, लो पकड़ो लगना जा, पकड़ो। हाय हाय हाय, हाँ चलो करो पापा, हाय करो, हाय करो पापा, हाय हाय से हाय, हेलो हेलो। आई ये रही बाइक और हम चलाएंगे, वो वाला आगे वाला, ये जो व्हाइट वाला है नहीं, वो ब्लैक वाला, आगे वाला ब्लैक वाला ना, सिंगल अभी आधा अकेला, सो मेरा है सिंगल, करूंगा मैं सिंगल। भाई ये तो मतलब अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है आज, सो एकदम मास्क चढ़ा रखा है। पहले मैं फिट कर लेता हूँ ATV में अपना, वो यहाँ पे कैमरा लगा लेता हूँ, फिक्स कर लेता हूँ। वाट बाई की राइड लेते हुए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो इसका मुझे प्राइस पड़ा था टोटल, मैंने एक पैकेज खरीदा था जिसके अंदर डेजर्ट सफारी, क्वाड बाइक और ड्यून बैशिंग सब इंक्लूडेड था, और मेरे को ये पड़ा था 3300 का। भाई सुपर वन है, ये देख रहे हो, देखा से भाई मुझको आ रहा है सुपर वन, अगर आपको भी करना है तो ले लो एक राइड। भाई लग रहा है नीचे से आग उभर रहा है भाई, एक आग तो थम नहीं रही है। ये मेरा प्रीमियम पैकेज था, क्लूब से बहुत रीजनेबल डील्स मिल जाती हैं, एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा, अगर आप उस लिंक के थ्रू जाएंगे तो आपको 250 का एक वाउचर भी मिलेगा, सो आप एंजॉय कर सकते हैं कहीं भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी एक्टिविटीज को। आप देख रहे हो क्वाड बाइक के मतलब राइड लेते लेते कितना मजा आ रहा है, अभी यही मजा मेरा सजा बनने वाला है, तो आप देखिए मजा आ रहा है पूरा एकदम। रेगिस्तान में चल रही है गाड़ी, क्यों नहीं आएगा मजा, बारी बारी। भाई ये तो धुआंधार है, अरे कोई तो आ जाओ बचाने, वरना नहीं चलेगी मेरी गाड़ी। भाई धूल हो गई, हमें कोई तो आओ, कोई तो आओ, एटी
भैया भैया अरे निकाल दो, रोक लो, उतार दो मुझे, मुझे कोई तो बचा लो। अरे भाई क्यों मेरा टाइम फोड़ रहे हो? भाई हेल्प कर दो। एडजस्ट करिए, भाई लग रहा मेरे से नहीं होगा। भाई अब देखते हैं, अब उठती है नहीं उठती है भाई, बस प्यास लगने लगी है। यहाँ पे मेरा एटीवी चलाने का टाइम खत्म हो गया था, तो भैया मेरे को दूर से इशारा कर रहे थे, अबे आजा आजा तेरा टाइम खत्म हो गया है रे, आजा। मैंने बोला एक राउंड तो मारने दो, तो भैया ने कर दिया साफ मना, तो मैं चल दिया सीधा अब अपने एंड पॉइंट की तरफ। हम चलते हैं अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। पकलो यात्री।